लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राजधानी में होने वाली अंतरराज्य मार्शल आर्ट स्पर्धा में हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला भाग्यशाली इन दोनों में से ही एक होगा, जिसमें राजरूपपुर जिला से वीरभद्र प्रभु का शिष्य राजन प्रभु जाएगा या काशीपुर जिला के महादेव चौधरी जी का शिष्य जीवन चौधरी जाएगा, इसका निर्णय आज यहाँ हो जाएगा। यही इस कलरी महापंच का फैसला है। शुरू किया जाए। जारी रखोगे तो तुम अपनी हार मानते हो, तो अपना हाथ जमीन पर 3 बार मारो। यहाँ के हॉर्न क्यों मार रहा है? मेरा हॉर्न है, जहाँ मन करेगा मारूंगा। तू कौन है पूछने वाला? ये मेरा एरिया है और वो मेरी आइटम है। अगर वो तेरी आइटम है तो मेरे हॉर्न मारने पर क्यों आई बाहर? मुझे समझ के आई थी बे। 6 महीनों से मार रहा हूँ हॉर्न, तुझे समझ कर आती थी क्या? क्या हॉर्न मारेगा? तूने मुझे मारा? हेलो भाई, लक्ष्मी नगर में थोड़ी खिटपिट हो गई है, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। हाँ बोल, क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं अपनी आइटम पर लाइन मारा था तो इसने मुझ पर हाथ उठाया। क्यों भाई, क्यों मारा? क्यों बे, तू गुंडों को बुलाएगा तो मैं डर जाऊंगा क्या? तुम लोग खुद को पहलवान समझते हो? पता है मैं कौन हूँ? आदर्श नगर के चांद भाई का आदमी हूँ। आदर्श नगर के चांद भाई का आदमी है तू? मैं ही हूँ आदर्श नगर का चांद भाई। कराटे वाले से मुझे पिटवाते हो तुम लोग? रुको अभी बताता हूँ। क्या हुआ? ओ भाई, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुरंत विक्रम को लेकर आ जाओ।
क्या प्रॉब्लम है यार? उसने कराटे वाले को बुलवाकर मुझे पिटवाया, तू उनकी पिटाई कर। ये क्या कर रहा है तू? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से ही बॉडी टाइट होती है। कुर्सी तोड़ना और लकड़ी के टुकड़े करना, ऐसा बच्चे कर रहे हैं। तो तू क्या करेगा बे? माँ? हाँ, क्या हुआ बेटी? नाना जी की फोटो मेरे सूटकेस में नहीं आ रही, आप रख लोगे? फोटो सूटकेस में मत रखो बेटी, टूट जाएगी। इसे अलग से पैक करते हैं, फिर ले चलेंगे। हाँ, कहाँ ले जाएगी इसे? इस शनिचर को कहीं नहीं ले जाने वाला, इसे यही आग लगा कर जला दूंगा। पापा के फोटो को कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा, फोटो मुझे दो। कैसा बुरा होगा? जब कहा कि इसे घर पर ही नहीं रखना है तो तुम इसे साथ क्यों ले जा रही हो? इस धोखेबाज की फोटो को मैं अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। देखो, तुम अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हारा बाप धोखेबाज ही नहीं, इंटरनेशनल धोखेबाज है। मेरे पापा को कुछ कहोगे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मेरे पापा ने ऐसा क्या धोखा दिया है? क्या धोखा दिया? दामाद जी, ये 60 एकड़ जमीन अगर आपकी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो क्या? थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ये लैंड आपकी है ये सोच लीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगता है। सीताबर्डी में बंगला, बंगले के सामने BMW और बेंच कार, लॉकर में बहुत सारा पैसा, घर में बहुत सारा सोना और सिंगापुर में आपकी बेटी के साथ नाच गाना। वाह 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 वाह, लग रहा है जैसे स्वर्ग मेरे सामने है। तो आप ऐसा ही समझ लीजिए। तो क्या ये 60 एकड़ जमीन मेरी ही है ससुर जी? आप ऐसा ही समझ लीजिए दामाद जी। तेरी तो ऐसी। तो पापा ने ऐसा बुरा क्या कहा? थोड़ी देर के लिए अपना मानने के लिए कहा, वो जमीन तुम्हारे नाम करेंगे ये तो नहीं कहा? फिल्म सिटी की जमीन दिखाकर कहा मेरी है, उससे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं होगा। तुमने भी कम धोखा नहीं दिया, जो नहीं है उसे दिखाकर धोखा नहीं दिया क्या? पापा, इनकी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है। आपकी बेटी क्या कह रही है? मेरी बेटी कह रही है जिसको आपके बेटे की हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है। कुछ देर के लिए मुझे तुम्हारी गोद में सर रखने का मन कर रहा है, रख लो ना। आप ये बात मुझसे कब कहेंगे? मैं इतनी देर से यही सोच रही थी। बस स्टैंड में लोगों का सामान उठाने वाली की लड़की को ऐसे बालों वाला लड़का मिलना बड़ी बात है। और वो तुम्हारी माँ जैसे बहुत बड़ी कलेक्टर है, माथे पर रखकर गली गली घूमकर बर्तन भांडे बेचती है। तेरा बाप वो भी नहीं है, मेरी माँ तो बिजनेस पर्सन है। पुराने कपड़ों के बदले बर्तन भांडे बेचने वाली बिजनेस पर्सन है, तू वही है तुम्हारी औकात। मेरी माँ की बेइज्जती करती है। अब तू हमारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकता। तू नहीं आ सकता, 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 नहीं आ सकता। मार डालूंगा मैं तुझे, मेरी वीक फेंक दी। आज तो तू गई मेरे हाथ से, मारी जाएगी तू। माँ ये लो, अब तू मेरा असली रूप देखेगी। ये कांच क्यों लिया हाथ में? मुझे मारेगी? अब मारो, नहीं तो मार के दिखा। धोखेबाज, तुझे बहुत बड़ा कराटे फाइटर समझकर बुलाया और तू वहाँ से दुम दबाकर भाग आया धोखेबाज। बात वो नहीं है यार, अरे वो तो मुझे ब्लैक बेल्ट लग रहा था और मैंने 2 हफ्ते पहले ही क्लास ज्वाइन की है। छोड़िए, क्या हुआ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे नाना की फोटो तोड़ दी इन्होंने, मेरी भी टॉयलेट में फेंक दी इसने। रुको रुको, मुझे मारेगी तू? मारेगी तू मुझे? मारेंगे, दिखाती हूँ आपको। अरे घर खाली क्यों है? सारा सामान कहाँ गया? सामान गया, पापा का ट्रांसफर हो गया है। फिर से कहाँ हुआ है ट्रांसफर? अरे राजरूपपुर में हुआ यार। राजरूपपुर?
ए, जल्दी चलो तुम लोग। माँ ये बैग पकड़ो ना। क्या हुआ, तुम लेके चलो ना। सूटकेस को उसी को चिपकाना ठीक होगा। उठेगा तुमसे। लगता है वो सूटकेस बहुत भारी है, तुम ये ले लो, हल्का है। हल्का होता तो क्या वो सूटकेस में तुम्हें दे देता। चलो चलो। क्यों सर, राजरूपपुर में किसी काम से आए हैं? वो क्या है ना भाई, रिश्वत लेकर लोन दिया था, पनिशमेंट में यहाँ भेज दिया। क्यों, क्या हुआ? पनिशमेंट भोगने के लिए तो वो बिल्कुल सही जगह है। क्यों भाई, वो जगह इतनी खराब है? जगह तो बहुत अच्छी है, बस लोग थोड़ा अजीब हैं। देश कितना भी आगे बढ़ गया हो लेकिन वो लोग अभी भी 200 साल पीछे हैं। किसी भी तरह के बदलाव से डरते हैं वो लोग, इसीलिए केबल और इंटरनेट भी नहीं है वहाँ पर। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के लोग मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करते। मोबाइल फोन भी नहीं रखते? हाँ, उस गांव में मोबाइल के टावर भी नहीं मिलेंगे। ऐसी बात है? सुनो, तुम्हारे मोबाइल में सिग्नल मिल रहा है? नहीं है जी। दिखाओ, मैं भी देखूं जरा। अरे ये क्या? सिग्नल नहीं तो फोन किस काम का? यहाँ पर क्यों रोक दी? चलो आगे। ये राजरूपपुर की सीमा है, इसके आगे कार बस कुछ भी नहीं जाती। तो फिर गांव के अंदर कैसे जाएंगे? वो है ना, गांव की सीमा पर वो भयंकर सी मूर्ति किसकी है? वो राज महेंद्र वर्मा नाम के बहुत बड़े कलरी के गुरु थे, वो आपके शहर में ही पैदा हुए थे। कलरी, ये क्या होता है? अरे कलरी है पापा, इंडियन मार्शल आर्ट, यहाँ पर बहुत फेमस है। यहाँ पर सभी जगहों से ज्यादा राजरूपपुर में कलरी सबसे मशहूर है। इस गांव के सभी लोगों को थोड़ा बहुत कलरी आना जरूरी है। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो कलरी के जरिए ही उसका निपटारा होता है। कलरी से कैसे निपटारा करते हैं? पूछ रहा हूँ, कलरी से कैसे निपटाते हैं? चलिए दिखाता हूँ। ये सब क्या है, वहाँ हो क्या रहा है? इसका नाम मुरली है, राजगोपाल की पहली पत्नी का पुत्र, और इसका नाम है मनोहर, राजगोपाल की दूसरी पत्नी का पुत्र। राजगोपाल की मृत्यु के बाद उनकी सारी जायदाद बराबर बांट दी गई है, लेकिन उनका एक पुश्तैनी घर अभी रह गया है। ये कहता है मुझे चाहिए, ये कहता है मुझे चाहिए। उस घर को लेकर दोनों में विवाद है। उस घर को बेचकर जो पैसे मिले वो दोनों में बराबर बांट दिए जाए तो? मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो घर चाहिए। मुझे भी वो घर ही चाहिए। तब तो इसका फैसला कलरी से ही होगा। तुम दोनों में जो जीतेगा घर उसी का होगा। शुरू करो। ये क्या है, वो मर गया क्या? जी मर गया। राजगोपाल की दूसरी पत्नी के पुत्र मनोहर का हुआ, ये कलरी सरपंचों का निर्णय है। तो पुलिस केस नहीं होगा क्या? आते समय आपने जो सीमा देखी थी ना, उस सीमा को लांघकर पुलिस वाले यहाँ नहीं आ सकते। आप गांव के उस सरपंच को देख रहे हैं, वो जो भी कहेंगे वही फैसला मान्य होता है। अरे बापरे, ये कैसा गांव है? ये कलरी एक दूसरे को मारने के लिए है क्या? मुझे भी पानी दीजिए, दो बूंद पीऊंगी तब जाके जान में जान आएगी। तुमने दो बूंदे मांगी थी ना, मैंने चार बढ़ाकर छह बूंदे दे दी। संभाल कर पियो वरना तुम यही जंगल में सूख जाओगी। क्या बोले? आगे बढ़ो भाई, मेरा पेट गड़बड़ा रहा है, चलो जल्दी।
नमस्ते सर, मेरा नाम शंकर शर्मा है जी, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आपका सारा सामान कल ही आ गया था, सब अंदर लगवा दिया है। हाउस ओनर किशन कुमार घर के पिछले पोर्शन में रहते हैं, उनको बता दिया था कि आज आप पहुँचने वाले हैं। हाँ, ओके ओके, जरा मेरा पेट खराब है, हम कल बैंक में मिलेंगे। ठीक है सर। ये घर कितना सुंदर है। ऐसा मत कहो, नहीं तो तुम्हारे पापा अकड़ेंगे। अरे सुनो उषा। क्या हुआ जी? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा मग में पानी ले आओ। माँ माँ, घर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। कहीं पानी नहीं आ रहा है? जल्दी पानी लेकर आते हो या ऐसे ही बाहर आकर तुम्हारे सामने घूमूं? सुनो पापा को बोलो पेपर से काम चला ले। पापा, माँ ने पेपर से काम चलाने के लिए कहा है। मार डालूंगा। क्या हुआ माँ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं बेटा। अच्छा हाँ सुनो, ओनर से कहो पानी नहीं आ रहा है। ठीक है माँ। किशन जी, किशन जी, ये लो पियो, पियो ना। आ आ आ, यहाँ कोई? किशन जी मैं ही हूँ, किशन कुमार। क्या बात हम है? आपके सामने वाले पोर्शन में रहने के लिए आए हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है? पानी तो मैंने सुबह ही भर दिया था, एयरलॉक हो गया होगा। आप थोड़ा देखेंगे क्या? अभी अभी तो मुझे बाहर जाना है, अर्जेंट है। हाँ थोड़ा अर्जेंट तो है, दरअसल पापा बाथरूम में है। तुम एक काम करो, इस तरफ से आगे थोड़ा ऊपर जाओगे तो जंगल है, वहाँ ऐसे बहुत से पत्ते मिलेंगे, एक बंडल लेकर आ जाओ, तब तक मैं पानी का कुछ करता हूँ। Oh! Oh!
भाई मारो मत भाई, बहुत दर्द हो रहा है भाई। कौन है तू? मैं इस गांव का नहीं हूँ भाई, मैं नागपुर से आया हूँ, आज ही आया हूँ यहाँ। तो पेड़ पर क्यों लटका हुआ था? पेड़ पर पत्ते देख रहा था। मकान मालिक ने पत्ते तोड़ने के लिए भेजा था। ए, ये चश्मे से यहाँ का नहीं है रे? ओ, यहाँ कोई लड़की देखी क्या तूने? नहीं तो नहीं देखी। ए, चल सब यहाँ से। नहीं चल रहा, अब दोबारा क्या हो गया इसे? पता नहीं अंजलि। मैंने कितनी बार बताया है इस पंखे को छेड़ा मत करो, इससे तुम लोगों को करंट लग सकता है। पंखे को डंडे से घुमाने का आइडिया दिया किसने? ए, तुम लोगों से कितनी बार कहा है झूठ मत बोला करो। अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने कहानी सुनाई किसे याद है? गोपाल तुम सुनाओ। एक लड़का शेर न आने पर भी शेर शेर चिल्लाकर लोगों को धोखा देता था। एक दिन सच में शेर आ गया, उस दिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया और शेर उसे खा गया। वेरी गुड, अब इस कहानी का अर्थ कौन बता सकता है? मैं बताऊंगा। तुम बताओ। शेर आए तो जोर से चिल्लाना चाहिए, इससे डर के शेर भाग जाएगा। जहाँ शेर घूमते हैं वहाँ हमें नहीं घूमना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ। शेर आए तो हमें आँख बंद कर लेनी चाहिए, जिससे शेर दिखाई नहीं देगा और हमें डर नहीं लगेगा। हम आँख बंद करें या ना करें एक ही बात है, क्योंकि हमारी तो आँखें ही नहीं है। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हारी आंखें नहीं है फिर भी आपस में तुम लोग एक साथ हो और तुम सबके लिए मैं तो हूँ ना। कहानी का अर्थ है जान चली जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। करेक्ट गोपाल। अब मैं तुम सबको एक और नई कहानी सुनाऊंगी। पहले पढ़ाई उसके बाद गाने। एक गांव में एक राजा रहता था। कहाँ चली गई? अभी तक नहीं आई। काम चोर है ये, जानबूझकर रात में स्कूल में रुक गई होगी, लगता है अब वो नहीं आएगी। तुम जाओ अब। यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी दीदी? राहु काल शुरू होने वाला है, तुम जा सकते हो। मैं वो स्वर्ण पदक लाकर आपके कदमों में रख दूंगा गुरुजी। कैसे जीतोगे ये जरूरी नहीं है, पर जीत कर आना, याद रखना। माधव संभल कर। चलता हूँ दीदी। ठीक है छोटे। स्कूल गई थी वो? गई थी भाई। गांव के रास्ते से गई थी या जंगल? जंगल के रास्ते से गई थी, लेकिन जाते समय बीच में कुछ देर दिखाई नहीं देती है वो। रोज उसका पीछा करते रहो, पता लगाओ कि वो कौन है, लेकिन बात अपने तक ही रखना। वहां से लौटकर उसे अपने हाथों से काटूंगा। इस नल में सादा पानी आता है और इस नल में सुबह 10 बजे तक गर्म पानी आता है। एक और जरूरी बात यह है कि मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं। कृपया अपने घर का कचरा आप लोग बाहर मत फेंकिएगा। ठीक है सर। तुम्हें ही कह रहे हैं, बाहर जाकर इधर उधर लौटने मत लग जाना, यही कहना सर? ये क्या बात हुई, मैंने तो घर का कचरा कहा था, आप उनके लौटने की बात कर रहे हैं। ये बोलना चाहते हैं कि इनकी आंखों में इस घर का कचरा हूँ मैं। देखा ना सर, कितनी जल्दी समझ गई, मेरी बीबी बहुत होशियार है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन इनका दिमाग जरूर खराब है। अरे अरे रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए मुझे छोड़िए। ये लीजिए आपकी पत्तियाँ। ओए, ये कान में खून कैसा? जहाँ पत्ते तोड़ रहा था वहाँ एक टूटी डाली थी, देखी नहीं, उससे लग गई। एक मिनट, टहनी लगी या फिर किसी ने तुम्हारे साथ मारपीट की? डाली लगी कहा ना। लगता है नागपुर वालों में गुस्सा बहुत भरा हुआ होता है। जल्दी आना, कहाँ रह गई थी?
था छोटी माँ। कहा था तो क्यों नहीं आई? रात को कहाँ मर गई थी? तेरे इंतजार में कितनी देर तक वो बैठा रहा यहाँ पर? मैंने कहा ना वो तुझे सर पे बैठा के रखेगा, लेकिन तुझे उसकी खबर ही नहीं है। वो बात नहीं है छोटी माँ, वापस आते समय क्लास का एक लड़का फिसल कर गिर गया। मेरे बला से वो जिए या मरे, मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं। ऐसा मत बोलिए छोटी माँ, बहुत अच्छे लड़के हैं वो, आप उनके बारे में नहीं जानते। मतलब क्या है, क्या मतलब इसका? बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, बांझ हूँ? यही कहना चाहती है ना तू? यही कहना चाहती है ना? कुछ भी बोलेगी, जो मन में आएगा कहेगी। देखा ना आपने मेरे बारे में क्या बोल रही है, मैं बांझ हूँ। बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे नहीं होंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा पापा। अगर दोबारा जुबान खोली तो मार डालूंगा। ओए ब्रूसली, क्यों भाई, घर में इतनी शांति कैसे है? तुम्हारे माँ बाप जंगल में लड़ने गए हैं क्या? पापा अपने बैंक गए, माँ और बहन बाजार गए हैं। तो तुम यहाँ हाथ पैर क्यों चला रहे हो? कुंगफू है या ताइक्वांडो? उससे भी ज्यादा पावरफुल जैपनीज कराटे है ये। ओहो, वैसे ये चोट शाम तक कम हो जाएगी। तुम एक काम करो, कलरी सीख लो, ये कुंगफू ताइक्वांडो सब उसी में से ही निकले हैं। सीखोगे ना? कहाँ सिखाते हैं ये? इस गाँव में सैकड़ों लोग मिलेंगे सिखाने वाले, सीखोगे? ट्राई करूंगा। ट्राई करेगा? शेर की सवारी करने के बारे में सोचा है तो या तो करनी है या नहीं करनी है। अगर शेर की पूंछ पकड़कर सोचोगे कि सवारी करूं ना करूं, तो शेर तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। अब बोलो, कलरी सीखोगे या नहीं? सोचूंगा। क्या सोचोगे? ट्राई करना है कि नहीं ये सोचूंगा। तुम्हारी जनरेशन कभी हमारे बराबर नहीं हो सकती, मरते दम तक नहीं। इस गाँव के तो सारे ही लोग बहुत ही अजीबो गरीब है। शाम को जल्दी आ जाऊंगी। ए, कहां गई है लड़की? घर पे है या कहीं जाके मर गई? बेटी, दाईमा, बहुत देर हो गई आपको आए हुए। नहीं बेटी, बस अभी आई थी। ठीक है, जल्दी से खा लीजिए। क्या बेटी, क्यों मेरे लिए रोज इतनी मुसीबत उठाती हो? चार दिन इधर उधर जी लूंगी, फिर तो जाना ही है। ऐसी बातें करेंगी तो मैं रोने लगूंगी, आपको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, कैसी बात कर रही हो? तुम मुझसे रोज मिलती हो ये पता चलेगा तो तेरी सौतेली माँ तुझे जीने नहीं देगी। कोई बात नहीं, उनको मैं संभाल लूंगी। दाई माँ, आप जाइए, आप जल्दी जाइए यहाँ से। संभाल कर जाना। ठीक है, आप जाइए। Get up, man! Get up!
हमें देखकर भाग क्यों रहा था तू? क्यों मतलब? अबे सीधा जवाब दे ना। आप लोग बेवजह मारते हो तो भागना ही पड़ेगा ना। आज फिर जंगल में क्यों आया है रे तू? मलयाली खूबसूरती देखने के लिए आया था। क्यों बे? मलयाली लड़की देखने आया था? अरे मलयाली लड़की नहीं, मलयाली खूबसूरती देखने के लिए आया था। क्या है वो? लार्ज बुश है ना, ये जो झाड़ियाँ, वो लार्ज बुश है ना, वो बड़े पेड़ होते हैं ना, उनकी फोटो खींचने के लिए आया था। दरअसल मैं बॉटनी पढ़ रहा हूँ ना भाई। ए, ये देख। ए, इस लड़की की फोटो क्यों खींची तूने? वो आपको दिखाने के लिए खींची। हमें क्यों दिखाएगा तू? कल आप लोग एक लड़की के बारे में पूछ रहे थे ना, वो यही लड़की है कि नहीं यही कंफर्म करने के लिए। ए, ये लड़की जिसे मिले उसे तूने देखा? नहीं, वो पेड़ का तना बीच में आ गया था। ऐसी भाषा फिर बोलेगा तो काट डालेंगे। वो बड़ा सा पेड़ बीच में आ गया था। अरे वाह, आप लोगों के टीके और बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे साथ खड़े होकर जरा एक ग्रुप फोटो खिंचा लो ना। नहीं, फोटो नहीं लेगा तब प्रॉब्लम में फंसेगा तू। ठीक है, ट्राई करूंगा। ट्राई करने के नाम पर गांव में सबको गुस्सा क्यों आता है? सुनिए, वो लड़की रहती कहाँ है और करती क्या है मुझे तो कुछ भी नहीं पता। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटी, ये लो। थैंक्स सर। हेलो, गुड मॉर्निंग अनिली। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रोज वो घर से निकलकर यहीं पर आती है और यहीं से घर भी जाती है। चुपचाप उसे फॉलो करना। आसमान से गिर के खजूर पे अटकना इसे ही कहते हैं। ये क्या अंजलि, रोज 16 चूड़ियां पहनकर आती हो, आज सिर्फ 14 ही पहनी है। हाँ गोपाल, कल दो टूट गई थी। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली गोपाल? भगवान ने हमें आंखें भले ही ना दी हो, लेकिन कान तो दिए हैं ना, चूड़ियों की आवाज से पता लगा लिया अंजलि। क्यों? मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कितनी चूड़ियां पहनी है, ये सब तुम्हें याद रहता है, पर मैं जो पढ़ा दी हूँ वो याद नहीं रहता। हमारे लिए आज तुम चॉकलेट लाने वाली थी ना? चॉकलेट्स? वो किस लिए? आज टीचर्स डे है अंजलि, इसीलिए। सॉरी फ्रेंड्स, मैं तो सच में भूल ही गई थी। हमने मिलकर बनाई है ये गुड़िया, खूबसूरत है ना अंजलि? बहुत खूबसूरत है, मुझे कभी किसी ने ऐसा खूबसूरत गिफ्ट नहीं दिया। तो फिर एक अच्छा सा गाना सुनाओ ना। ओके, आज पढ़ाई नहीं होगी, फुल डे गाने ही गाने बजेंगे। चलो ठीक है, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। Yeah.
घर का काम ना करना पड़े इसलिए चोरी छुपे भाग जाती है। घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ आके करेगी? नहीं छोटी माँ, मैं खुद करूँगी। उठाई अब पोटली, जल्दी कर। छोटी माँ पैर हटाइए, मुझे गुड़िया उठानी है। मैं पोटली की बात कर रही हूँ और तुम गुड़िया की बात? ये ले तेरी गुड़िया। छोटी माँ मेरी गुड़िया। अरे पोटली उठा। छोटी माँ मेरी गुड़िया चल जाएगी। मेरी गुड़िया। छोटी माँ प्लीज मुझे छोड़ो। पहले पोटली उठा, चल जल्दी कर। मेरी गुड़िया छोटी माँ चल जाएगी, चल रही है। कहाँ जा रही है? पापा, छोटी माँ ने मेरी गुड़िया जला दी। क्या कह रही है इनसे? मैंने पोटली उठाने का कहा, किशन जी, किशन जी। क्या हुआ ब्रूसली, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे थोड़ी रुई चाहिए किशन जी। हाँ, वो पीछे वाले जार में है, ले लो। किशन जी, मुझे एक सुई और धागा भी चाहिए। क्या रे, ये कोई कपड़े की दुकान है? नहीं किशन जी, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज। वहाँ कैलेंडर में लगा होगा, ले लो। किशन जी। हाँ? मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ बोलो। यहाँ की लड़कियाँ कैसे लड़के पसंद करती है? क्यों भाई, तुम्हें आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, लड़कियों की इंक्वायरी शुरू कर दी? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं किशन जी। नागपुर के मेरे एक दोस्त को यहाँ की एक लड़की पसंद है, उसने मुझसे पूछा और मैंने आपसे। बताइए ना किशन जी। नारियल के पेड़ जितना लंबा हो जो, नारियल के जैसे बाल हो जिसके, नारियल जैसा चेहरा हो जिसका, नारियल जैसी बोली हो जिसकी, शरीर पर नारियल का तेल लगाकर नारियल का फूल लेकर घूमने वाले लड़के को। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? प्लीज किशन जी, सीरियसली पूछ रहा हूँ तो सीरियसली बताइए ना। बताइए किशन जी। इतना सीरियस भी मत हो यार। लड़का पैसे वाला है? मिडिल क्लास है। कितना पढ़ा लिखा है वो? ग्रेजुएशन किया है। फैमिली बैकग्राउंड? ऐसा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। वो दिखने में कैसा है? एवरेज। अबव या बिलो? कुछ भी हो, एवरेज कहा ना मैंने। और उसका दिल? दिल से तो राजा है। उतना ही काफी है ब्रूसली, उसको बेधड़क प्यार करने को बोलो। अगर लड़की को दिल पसंद आ जाए तो सब कुछ पसंद आने लगता है। लेकिन दिल देखे बगैर चेहरा देख के रिजेक्ट कर दिया तो? ऐसा है तो पहले दिल दिखाने को बोलो, बात बन जाए तो फेस दिखाने को बोलो। समझ गए ना? आइडिया तो बुरा नहीं है। आगे मत आना। ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? मैंने ही उसे ठीक करके वहाँ रखा है। गुड़िया को तुमने ठीक किया? हाँ, वो उन बच्चों की गुड़िया को जलता देखकर तुम्हें परेशानी हुई थी ना? ये गुड़िया उन बच्चों ने दी है, तुम्हें कैसे पता?
तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? बताओ कौन हो तुम? अगर अपना दोस्त मानोगी तो दोस्त हूँ, नहीं मानोगी तो कुछ नहीं। ही बुखार है मुझे, चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अगर मैं ना आई तो तुम परेशान हो जाओगी, यह सोचकर चली आई। दाइमा उठे, उठे, संभल कर। संभल कर दाइमा, देख कर आइए मेरे साथ, आप इधर आइए। क्यों बे, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? ना 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 हो जाएगा। आप बोलिए मत, आपको बहुत बुखार है, आप सो जाइए, सो जाइए। आप उठिएगा मत, मैं अभी आती हूँ। छिपकर ही डर जाएगी। ए, यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं भाई। जिसकी कही थी उसकी फोटो ली? आप बोलो और मैं फोटो ना लूं। ये देखिए ना भाई, देखिए कैसे कैसे फोटो लिए, देखिए। ए, उसका चेहरा कहाँ है रे? वो मास्क के पीछे है ना। फोटो खींचता हूँ तो मारते हो, नहीं खींचता हूँ तो मारते हो। वो उस लड़की से मिला था क्या? मिला था ना। लड़की से मिलते समय भी उसने मास्क नहीं उतारा? नहीं उतारा था। वो दोनों मिलकर बार बार एमेंट्स के पीछे भाग गए थे। क्या कहा तूने? अरे किसी पेड़ का नाम ले रहा है। हाँ सही कहा, पेड़ था वो। बाहर से बहुत बड़ा पर अंदर से खोखला था। उसने अंदर जाकर मास्क उतारा होगा यही सोचकर मैं अंदर कूदा तो देखा। कैसा शौक? क्योंकि वो पेड़ के अंदर नहीं था। थोड़ी देर बाद देखा वो आप लोगों से झगड़ा कर रहा था। मैं अगर वो फोटो खींचकर आप लोगों को दिखाता तब आप मुझे कहते कि हमारी फोटो हमें दिखाता, इसलिए मैंने नहीं खींची। वो जो भी हो लेकिन हमसे बहुत खेल खेल रहा है। ए चश्मेश, चाहे मास्क के पीछे चेहरा हो या चेहरे पर मास्क हो, तू जो भी फोटो ले उसका चेहरा मुझे दिखना चाहिए, नहीं तो तेरी नाक चेहरे से अलग कर दूंगा। फिर तू भी मास्क पहनकर उसकी तरह घूमता रहेगा, चल रहे। भैया आप लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो लेना।
प्लीज छोटी माँ, प्लीज मैं अभी आ जाऊंगी। कहाँ जाना है तुझे? इस बुड्ढे ने फिर से कपड़ों में गंदगी कर दी है, बदबू से मरी जा रही हूँ, इसे कौन साफ करेगा? छोटी माँ, कहे की छोटी माँ, चल साफ कर। कहाँ गई? यही तो थी। उषा, उषा, मेरी विक कहाँ है? एक मिनट रुकिए, उसे पोछा लगा रही हूँ, होते ही दे दूंगी। मेरी विक को पोछा समझ रखा है तूने? ये क्या कर दिया मेरी विक का? मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मारो, लाओ इसे, मैं सुखा के ला दूँ। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार दूंगा, मार दूंगा। ऐसा नहीं मारेगी तू, आज मैं देखता हूँ। क्या छोटी सी गलती हो गई? क्या हुआ? विक का ऑमलेट बन गया। तुम्हारी सारी हरकतें समझ रहा हूँ, तुम दोनों मिलकर नाटक कर रही हो, जानता हूँ मैं कोई अरागरा नहीं हूँ, पहले से मैंने इसका हल निकाल रखा है। तुम्हें लगा होगा मेरे पास एक ही वीक है, गलत, बिल्कुल गलत, मेरे पास दूसरा वीक भी है। सॉरी पापा, सॉरी। अब लगा लो वीक। किशन जी, किशन जी, क्या हुआ ब्रूसली? टेंशन में क्यों? बुखार उतारने की दवा चाहिए मुझे। ठीक तो हो, फिर बुखार की दवा क्यों? मेरे लिए नहीं, पापा के लिए चाहिए। सुबह तो ठीक ठाक लग रहे थे। अब सर्दी बुखार टेलीग्राम करके तो नहीं आएगी ना? जल्दी कीजिए। वहाँ दूसरे खाने में पीले रंग की बोतल होगी, ले लो। ये वाली ना? दाईमा, दाईमा, जरा उठिए, आराम से, आराम से। कौन हो तुम? घबराइए मत दाईमा, अंजलि ने मुझे आपको दवाई देने के लिए भेजा है। अंजलि को क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ दाईमा, उसकी छोटी माँ ने उसे काम करने के लिए कहा है, इसलिए उसने मुझे भेजा है। ये दवा खाली पेट नहीं खानी चाहिए, पहले ये खा लीजिए। अच्छा, आप हैं कौन? यहाँ जंगल में छुपकर क्यों रहती हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, अंजलि को इन्हीं हाथों से पालकर बड़ा किया है। तो फिर अंजलि को छोड़कर यहाँ क्यों रह रही है? अंजलि जब 3 महीने की थी तब उसके घर में काम करने आई थी मैं। उसकी सौतेली माँ उसकी देखभाल नहीं करती थी, बाप भी उसकी फिक्र नहीं करता था, उसका पालन पोषण सब मैंने किया है, इसलिए वो मेरे बहुत करीब हो गई। उस पर और जुल्म करने के लिए उसकी सौतेली माँ ने अपने एक दूर के रिश्तेदार को घर पे रख लिया। वो बहुत गंदे विचारों वाला व्यक्ति था। अंजलि, क्या हुआ अंजलि? अरे बदमाश महिला, कमीना, शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या कर रहा है? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरी इतनी हिम्मत, तूने राजन पे हाथ उठाया? इसने जो काम किया है, हाथ में चप्पल होती तो उससे मारती। दोबारा इस गांव में दिखाई दी तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। भाग जा। बिचारी बिन माँ की बच्ची को कुछ होना जाए इसलिए उसके करीब ही इस जंगल में छुप छुप कर अपने दिन गुजार रही हूँ बेटा। बेटी, आपको उठने के लिए मना किया था ना, तो आप काम क्यों कर रही हैं? बुखार कम हो गया बेटी। कम हो गया? हाँ, कल एक लड़के के हाथों दवाई भिजवाई थी ना तुमने, तो मैं उसी से ठीक हो गई। क्या? हाँ बेटी,
पता नहीं वो लड़का कौन था, पर बहुत अच्छा लड़का था। हे भगवान, मैं तो उसका नाम ही पूछना भूल गई। रात भर बेचारा यहाँ बैठकर मेरी सेवा करता रहा, यही था, पता नहीं कहाँ गया। देखो ना अंजलि, कल सलमान के गाने सुनाए थे ना, तो आज शाहरुख के गाने सुनाओगी ना, लेकिन उन्हें आज भी सलमान के ही गाने सुनने हैं। आज सुनेंगे, सलमान सुपरस्टार है, शाहरुख खान सुपरस्टार है। सलमान खान, बैठो, आज से ना शाहरुख के गाने बजेंगे और ना सलमान के, कोई गाने नहीं बजेंगे। पर क्यों अंजलि, आज शाहरुख के गाने सुनाने के लिए कहा था ना। टेप रिकॉर्डर टूट गया है ना। रुको। ए, कौन हो तुम? तुम्हें कहा था ना, दोस्त हूँ। टेप रिकॉर्डर तुमने ठीक किया? हाँ किया। और दाईमा को दवाई तुम्ही ने दी थी? हाँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्ही से पूछ रही हूँ, क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तो फिर अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं जरा भी सुंदर नहीं हूँ। से क्या लेना, दिल के अच्छे हो तुम, चाहत हो तुम ही मेरी, किस्मत हो तुम ही मेरी, अपना तुम ही को माना, जिंदगी तुम ही मेरी, चुन लिया मैंने तुम्हें, चाहा है मैंने तुम्हें, नादा पर तुम हो, कैसे समझाऊं तुम्हें, भोली सूरत ने तुम्हारी, चुरा लिया मेरा जिया, प्यारी प्यारी बातों ने दिल पे कर दिया जादू, मन चाहे कोयल बन के रागिनी मैं प्रेम की गाऊं, छुपना कैसा डरना कैसा, जैसे भी हो मुझे पसंद हो, ओ यारा मेरे, जैसे भी हो मुझे पसंद हो। सुमे तुम ही हो, धड़कने मेरी कहीं, मन में
बस तुम ही हो। छुप जाओ चाहे कहीं, मैं तुमको ढूंढ लूंगी। एक बार मुड़ के देखो, चाहत हूँ मैं तुम्हारी। प्यार भरे रंगों से तस्वीर है बनाई, तन मन अर्पण करके हो गई अब मैं तुम्हारी। अब तो बिन तुम्हारे कहीं भी मन लगे ना, सपने देखो तुम्हारे दिन रात सजना। छोड़ू ना मैं हाथ तुम्हारा, जीवन भर मैं थाम लूं। छुपना कैसा, डरना कैसा, जैसे भी हो मुझे पसंद हो, ओ यारा मेरे, जैसे भी हो मुझे पसंद हो। कैसे दिखते होगे? पता है मैंने कितना सोचा था? तो कैसा हूँ? जैसे सोचा था वैसे ही हो। मतलब? मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही हो। हेलो, क्या कहा? हेलो, क्या समझूं मैं? अरे चश्मेस, बिना मास्क वाली उसकी फोटो खींची? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आजकल मैं जरूर उसकी फोटो खींच कर दिखा दूंगा आपको। तुम रहने दो, हमें पता चल गया है कि वो कौन है। कौन है वो? तू ही है। ए, टपका दे इसे। अरे चश्मेस, डर गया क्या? थोड़ा मोड़ा नहीं, आंखों से झरना बह रहा है। नीचे से भी गीली हो गई होगी। मजाक कर रहे थे? आप लोग भी मजाक करते हो? क्यों रे, वो मास्क वाला अभी तक दिखा नहीं? नहीं नहीं, आज जस्ट मिस हो गया, कल उसका चेहरा जरूर आपको दिखाऊंगा। चल रहने दे, अभी कल तेरा हॉलीडे है। हॉलीडे पर क्यों भाई, कल कोई त्योहार है क्या? बहुत बड़ा त्योहार है, कल सुबह कैमरा लेकर अंजलि के घर पर आ जाना। अंजलि के घर पर? लेकिन क्यों भाई? ए, जितना कहा वो कर। ए, रुको, ये फोटो तो वहाँ से आते समय तोड़ दी थी ना, फिर यहाँ कैसे आ गई? फोटो ही तो तोड़ी थी, नेगेटिव तो बच गया था। क्योरी, जिंदा है या पहुंच गई बाप के पास? तुमने मेरी चप्पल जमीन से चिपकाई, अब देखो तुम्हारा क्या हाल है। मुझे मेरे बाप के पास पहुंचाएगा। जल्दी स्टोव के पास आओ, जल्दी करो, बबी स्टोव के ऊपर रखो, ठीक चलने से पहले छोड़ना मत इसे, जल्दी करो, सुना दो सुना दो। क्योरी, बिग जलाकर बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को। मैंने कहा था ना कि मैं बहुत होशियार हूँ। कैच, पकड़ो इसे। मेरे पास बहुत सारी बिग है, अब क्या करोगी? अब क्या करोगी? ये क्या है? टोमेटो सॉस है पापा, जरा मुझे दिखा। पापा, रुको पापा, अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो? लो लो लो, अरे पहले घर साफ करना, बाद में खुद को साफ करना। कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, पापा की बात भूल जाओ, इन्हें मैं देख लूंगी। ये
मैं जानता था तुम ही जीतोगे। नेशनल चैंपियन नहीं, इंटरनेशनल चैंपियन बनना है। आपके आशीर्वाद से जरूर बन जाऊंगा गुरुजी। भाई, आपने तो हमारे गांव की इज्जत बढ़ा दी। सचमुच कमाल कर दिया आपने। आप पर हमें गर्व है। ये कौन है? ये चश्मे से भाई, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। हाँ भाई, उसने इतना डिफिकल्ट कंपटीशन आपकी वजह से ही जीता। अब मेरे हाथ में क्या है, अपने हाथ की विद्या सिखा रहा हूँ। जितना हारना तो इनके हाथों में ही रहता है। स्वर्ण पदक जीत कर आने वाले राजन को मेरी तरफ से ये पुरस्कार। ये ले छोटे, अब ये तेरी बीवी बनेगी। अगले श्रावण मास में तुम्हारी चहेती अंजलि से तुम्हारी शादी होगी। ये स्वर्ण पदक पिघलाकर उससे मंगल सूत्र बनवाकर उसे अंजलि को पहनाऊंगा। छूकर ही जब इतना नशा चढ़ रहा है तो सुहागरात में क्या होगा ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तब तक तुम राजन बेटा, मुझे जरा तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ ब्रूसली, सुबह सुबह साइकिल से झगड़ा कर रहे हो? अरे इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त गांव की लड़की से प्यार करता है। अरे हाँ, वो गुलाब के दिल वाला। क्या हुआ उसका? तुम्हारा दिल गुलाब का नहीं, गेंदे का फूल है कह के क्या? उसकी किसी दूसरे लड़के से शादी तय हो गई है। तो आप क्या करने वाला है? वो कुछ समझ नहीं आ रहा, पागलों की तरह घूम रहा है। तो उसे बोले काम करे, वो उस लड़की को लेकर कहीं भाग जाए और शादी कर ले, मजा आएगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, यही तो परेशानी है यार। न पैसा है, न पढ़ाई है, न सुंदर है, फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, और अंत में हिम्मत भी नहीं है। ऐसे उल्लू को प्यार क्यों हो गया? किसी नाले में डूबने को बोल, उसे परेशानी खत्म हो जाएगी। वैसे एक बात बताओ, ऐसे लड़के से तुमने दोस्ती क्यों की? सुनिए किशन जी, मेरे दोस्त के बारे में ऐसा मत बोलिए। प्यार करने के लिए ये सब जरूरी है क्या? ये नहीं हो तो प्यार नहीं हो सकता। वैसे जिस इंसान ने कभी किसी से प्यार ना किया हो, उसे ये सब पूछ रहा हूँ, मेरी बेवकूफी है। ओए ब्रूसली, वैसे उस लड़की को लेकर तुम्हारा दोस्त सीरियस है ना? बहुत सीरियस है। और लड़की भी सीरियस है ना? पता नहीं, आई लव यू बोला था ना? नहीं कहा होगा शायद। या फिर तुम्हारे दोस्त ने आई लव यू कहा क्या? नहीं कहा। तैरना तो आता नहीं है, चले हैं समंदर पार करने। पहले उस गुलाब दिल लड़के से आई लव यू कहने के लिए बोल। उसके बाद? उसके बाद अगर लड़की ने भी आई लव यू कहा तो सोचेंगे कि क्या करना है। उषा, नाश्ता रेडी है? आपका बेग उठा क्यों है? देखो यहाँ, उधर नहीं इधर, यहाँ लाओ, मैं दबाती हूँ। पापा, रोज इस तरह बेग निकालना लगाना आपको परेशानी होती होगी ना? थोड़ी थोड़ी होती है, जैसे तुम्हारी माँ के साथ होती लेकिन है। लेकिन आज से इस बेग को निकालने लगाने की परेशानी खत्म। वो कैसे? हाँ, वो परमानेंट चिपक जाए ऐसा प्लान किया है। अरे वो छोटी भूतनी, ऐसा क्या किया तूने? आपने माँ की चप्पल पर जो लगाया था सुपर ग्लू। क्या सुपर ग्लू से चिपका दिया? किसने मेरा सर दबा रही थी तू? पापा, पापा, क्या हुआ पापा? जरा मेरी भीख खींच। विग, मैं निकालता हूँ। पापा, निकल नहीं रही। अच्छा, आप 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 इधर बैठ जाइए। ऐसे ही बैठे रही, मैं डिटोल लगा देती हूँ। बस थोड़ा सा चलेगा, बस थोड़ा सा। जिंदा हो या अपनी माँ के पास पहुँच गए?
अंजलि। क्या हुआ विक्रम? बाहर आओ। जरा यहाँ पीठ पर भी लगा। कहाँ पर भाई? दिखाओ। क्यों रे? जंगल में वो क्यों जाती है, कुछ पता चला? किसी से मिलने। कौन है वो? पता नहीं भाई, वो हमेशा मास्क में अपना चेहरा छुपा कर रखता है। उनके बीच बात कहाँ तक पहुँची? जैसा कि वो चश्मिस बता रहा था, दोनों के बीच मामला बहुत ही सीरियस हो गया है भाई। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कौन है वो, बोलो कौन है वो? उधर देखो भाई, वही है। बाहर निकल कर तुमको बाहर से बांध देगा। बिल्कुल ठीक, आ जाओ सीधे, आ जाओ आ जाओ। नहीं भाई, वहां नीचे उसने जरूर कुछ रखा होगा। तो फिर जिस तरह से वो वहां गया है, उस तरह से हम भी जाएंगे। फिर कहाँ जा रही है? वो सर पर छिपकली गिर गई थी। तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया था, इसीलिए चला गया था। क्यों आया था इतना गुस्सा? वो तुम्हारे शरीर को इधर उधर छू रहा था, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं कौन हूँ नहीं पता, कैसी हूँ ये भी नहीं पता, तुम पसंद हो या नहीं ये भी नहीं पता, फिर भी तुम्हें इतनी पसंद क्यों हूँ? पता नहीं, कल तो तुम इतने गुस्से में चले गए थे, आज दोबारा क्यों आए हो? तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो, कहोगे तो मैं भी तुमसे एक बात कहूंगी, तुम कहो ना। तो पहले तुम पहले तुम कहने वाले थे, तुम कहो। नहीं तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, नहीं तुम ही कहो। आई लव यू, आई लव यू, अब तुम कहो, 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 कहो। नहीं कहना ज्यादा ठीक लग रहा है। I love you.
इसी तरफ आया था वो। राजन क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। अरे बाप रे, तुम जाओ जाओ यहाँ से जल्दी। अंजलि कहाँ है? बाथरूम में है, जाकर खबर लो उसकी, पता नहीं उसे क्या हुआ है, बार बार जाके नहा रही है। तुम जाओ जाओ जल्दी जाओ। तुम जाओ अब जाओ, थोड़ी देर बाद मैं दाई माँ के पास जाऊंगी, वहां पर मिलेंगे, अब जाओ। लगा के परेशान थे भाई, लेकिन तुमने मास्क को तुरंत पकड़ लिया। अरे तू अब तक अपने दिमाग से चल रहा था, उसके दिमाग से नहीं, इसीलिए। चल मेरी तो ठीक है, लेकिन तुमने भी क्या कर लिया? अरे ठीक है ना, परेशान रह। भाई अब इसे भी मास्क वाले की तरह टपकाना पड़ेगा। कहाँ मिला तुझे वो? जंगल में मंदिर के पास, बस एक वार किया और उसकी गर्दन उतर गई। तो वही चश्मीशा है। ¡Ay, tú!
सॉरी अंजलि, वहाँ बहुत सारे लोग थे इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम यहाँ से चले जाओ, उसने तुम्हें देख लिया तो मार डालेगा। जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अंजलि, तुम्हारे घर में चले जाओ। कहा ना उसने कि मैं मार डालूंगा, तो जा यहाँ से। अंजलि, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, अब जो कहेंगे मैं करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, तुझे मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरी चप्पल चाटनी होगी। तलवे चाट। इस हरामजादे के लिए मुझे धोखा दिया, इसी हरामजादे के लिए मुझे धोखा दिया। आप कुछ भी बोलिए, मुझे नहीं पता, मेरा अकाउंट क्लोज कीजिए और मेरे पैसे दीजिए बस। देखिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। अरे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। ए, गाड़ी यहाँ से चलकर सीमा के बाहर ही रुकनी चाहिए, अगर बीच में कहीं गाड़ी रुकी तो तुझे वहीं गाड़ दूंगा। विक्रम, प्लीज मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठ। प्लीज विक्रम, मैं कह रहा हूँ ना, गाड़ी में बैठ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी, प्लीज विक्रम मुझे छोड़ के मत जाओ। झट मारिए, बैठ गाड़ी में। नहीं बैठ, बैठ गाड़ी में, बैठ गाड़ी में, बैठ बैठ जल्दी, मत मारिए उसे। हम जानू में जा रहे हैं, तुम भी साथ चलोगी क्या? चल चलो। किसी को इश्क होना जीते जी मार डाले, किसी को इश्क होना तड़पाए जुदा होना, पर सारी उम्र रोना, दिल दे के दर्द लेना, तन्हा यादों यादों में चलना, आशिकी है जुनून, छीन ले ये सुकून, प्रेम की जिंदगी कर दे नक ये जुनून, प्यार का पाप है, कैसा इंसाफ है, कैसा ये शाप है, हो इश्क होना किसी को इश्क होना जीते जी मार डाले, किसी को इश्क होना। जुदा
तुझको जमाने क्या मिला, जाने है किसकी ये खता और किसको मिली है सजा। प्यार की दुश्मन ये दुनिया, जो छिनी हमारी सब खुशियाँ, हजारों हुए दिल के टुकड़े, क्या सोचा था और क्या हो गया। किसी को इश्क होना जीते जी मार डाले, किसी को इश्क होना। जिया अब जाएगा लंबा सफर, ये यादों का सदा हमको तड़पाएगा। मिलके बिना क्यों तू मिला, प्यार का है ये कैसा सिला, प्यार का सूरज दिन में ढला, हुए हम पागल देख जरा। आशिकी है जुनून छीन ले ये सुकून, प्रेमी की जिंदगी कर दे नरक ये जुनून। किसी को इश्क होना जीते जी मार डाले, किसी को इश्क होना तड़पाए जुदा होना, पड़े सारी उम्र रोना, दिल दे के दर्द लेना, तन्हा यादों यादों में। किशन जी दरवाजा खोलिए। किशन जी मैं ट्रेन से कूदकर भाग आया, मेरे पांव में मोच आई है। जिस लड़की ने तुझ पर भरोसा किया उसके लिए उनसे लड़ नहीं सका, किस बात का मर्द है तू? ऐसा नहीं है किशन जी। निकल जा। अंजलि रुको, अंजलि मैं आ गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंजलि, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सॉरी अंजलि मैं कमजोर हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंजलि ए, कमजोर आदमी प्यार नहीं कर सकता? प्यार करने के लिए इंसान में हिम्मत और ताकत होना जरूरी है क्या? तुम्हें क्या लगता है जो मारामारी करते हैं वही प्यार करने के लायक है, और कोई प्यार नहीं कर सकता? अंजलि मैं कमजोर हूँ अंजलि, लेकिन अगर तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अंजलि प्लीज मुझ पर भरोसा करो। अंजलि अच्छा बताओ, मैं उस राजन को मारूंगा तो मुझ पर भरोसा करोगी? ओके अभी जाकर बताता हूँ उसे, अभी बताता हूँ, जा रहा हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। राजन आज तू मरेगा मेरे हाथों से, तू मरेगा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता।
किशन ने इसे मारा गुरुजी। किशन ने मारा? जी गुरुजी। गुरुकुल में घुसकर उसने मारा। पर क्यों? वो विक्रम वापस आ गया है। वापस आ गया? कहाँ है वो? अभी वो कृष्णा के पास है। ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। ब्रूसली, ए, किस पैर में मोच आई थी? सीधे पैर में। पलट कर देखो। ऐसे। ए, तेरे अंडरवियर का साइज क्या है? क्या? और कहीं तो मोच नहीं आई है ना? किशन जी, ये अंजलि की फोटो आपके पास क्यों है? ये अंजलि नहीं, उसकी माँ है। उसकी माँ? उसकी माँ की फोटो आपके पास क्यों? कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन कुछ कभी भी सुनाई नहीं जाती। अगर मैंने ये कहानी तुम्हें नहीं सुनाई तो जिंदगी में दूसरी बार बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे।
बेटा तुम्हारे गुरुजी कौन है? आप ही मेरे गुरुजी हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? किशन कुमार। पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से देखा था, मगर वो थी गुरुजी की लाडली जिसे उसने चाहा था, ओ जिसे उसने चाहा था। सिर्फ तुमको चाहे तुम बिन कहीं रह ना पाए, मैं तो सिर्फ तुमको चाहूं तुमसे ही मैं नाता जोड़ूं, सजना तुम्हें साथी अपना मैंने चुना मैंने चुना, आंखों में अपनी सपना तुम्हारा मैंने बुना। चला जा यहां से, धोखेबाज, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्षमा कीजिए गुरुजी, दोबारा कभी अगर मुझे अपना गुरु कहा तो तुम्हारा सर काट लूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए गुरुजी। जा ना यहाँ से, निकल जा, जा। गुरुजी, ऐसी बातें बताने से पहले मुझे क्षमा कीजिएगा। राधा के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं गुरुजी। इस जन्म में उसकी शादी नहीं हो सकती। हमारे कुल में अब कोई उससे शादी नहीं करेगा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, आपके घर की इज्जत बचाने के लिए, आपके प्रति मेरी जो भक्ति है, आपने जो विद्या मुझे दी है उसके प्रति मेरा विश्वास समझिए, प्रतिफल मान लीजिए, दक्षिणा मान लीजिए। आपको आपत्ति न हो तो राधा से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। किशन मेरी जिंदगी है पिताजी, अपनी जिंदगी किसी और के हवाले नहीं कर सकती। आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो किशन से ही करवाइए। बेटी, मेरी बात सुनो बेटी, मैं अपनी बेटी के सुखों को कुचलने वाला कोई बुरा पिता नहीं हूँ। उसी तरह मैं कुल को और समाज को भूलकर बेशरम बनकर समाज से अलग रहने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ। एक काम करता हूँ बेटी, जिले के सरपंच को मैं अपनी समस्या बताता हूँ, वो तुम्हारी पसंद के कृष्णा और वीरभद्र के बीच कलरी प्रतियोगिता रखने के लिए कहेंगे और कहेंगे जीतने वाले का विवाह तुमसे होगा, वो शादी समाज द्वारा मान्य होगी, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। हमारा कुल बाजारू नहीं है बेटी, इस प्रतियोगिता को कौन जीतेगा ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। किशन ही ये प्रतियोगिता जीतेगा, इसलिए बेटी हमारी बात मान जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। प्यार 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 प्यार, कभी मैंने भी प्यार किया था। प्यारा 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 प्यारा, मेरा सपना वो टूट गया था। मासूम सी वो लड़की प्यार थी, वो मुझसे करती दिल उसका मैंने तोड़ा। तुम कौन हो और क्या हो ये जानकर भी मैंने अपनी सारी विद्या तुम्हें सिखाई, लेकिन मैंने अब तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, न कुछ लिया। गुरुजी, अगर आप कहेंगे तो मैं अपना दिल भी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। कहिए आपको क्या चाहिए? राधा के लिए कल जो प्रतियोगिता होगी उसमें तुम्हें हारना होगा। गुरुजी, वहाँ तुम हारोगे ये वादा दो मुझे, वही मुझे चाहिए, वही मेरी गुरु दक्षिणा तुम मुझे दोगे, तो वादा दो, वादा करो कृष्णा। आ,
लड़ तू योद्धा आज है फैसला तेरे प्यार का लड़ तू योद्धा आज है फैसला तेरे प्यार का बलवान होके भी हारना होगा गुरु को दिया वचन निभाना होगा जालिम है दुनिया जिने प्यार की खुशियां किस्मत में तेरे यही लिखा था चाहा था जो पा लिया उस क्रूर ने मुझे जब भी छूते हो मुझे किशन की याद आती है बिजलियों की गरज में फिर एक फूल खिला आंसुओं की बारिश में एहसास खुशी का हुआ अनजाना डर था फिर भी आंखों में उसकी हुई शुरू फिर नई कहानी दुख भरे उसके जा कृष्णा जा अब वो किसी भी समय मरने वाली है जाकर उसकी मौत को अपनी आंखों से देख ले राधा 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 किशन ये हमारी बेटी है किशन सच में किशन पर इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी की तरह मत होने देना इसके सारे सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं इसके जवान होने के बाद अगर ये किसी को पसंद करे तो उसे इससे मिला देना मेरे इस सपने को तुम्हें पूरा करना ही होगा किशन मुझसे वादा करो इसे पूरा करोगे वादा करो उस भगवान ने तुझे बहुत ही लंबी उम्र दी है जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तू रोता रहेगा ए, मेरे गुरु ने मुझसे बढ़कर तुझे अपना शिष्य माना जिस राधा से मैंने प्यार किया वो भी तुझसे ही प्यार करती थी इतने सालों तक मैंने कितने आंसू बहाए हैं तुझे पता है इसे तो मैं पहली रात को ही मार डालता लेकिन मेरे बदले के लिए उतना ही काफी नहीं होता इसीलिए तेरी बच्ची के पैदा होने तक रुका रहा तेरी बच्ची अब मेरे घर में मेरी बच्ची बनकर पलेगी हाँ वही होगा तेरी बच्ची अब मेरे घर में मेरी बच्ची बनकर पड़ी होगी और उसकी पत्थर जिंदगी देखकर तू घुट घुट कर जिएगा तू अपने गुरु की इज्जत को और राधा के प्यार को कलंकित नहीं करेगा जानता हूँ और कभी मुंह भी नहीं खुलेगा यह भी जानता हूँ क्यों रे गाँव में सबको जाकर बताएगा कि ये तेरी बच्ची है यही है तेरे लिए सबक और यही है तेरे लिए मेरा बदला निकल यहां से बाहर Oh, my God.
जिद करती है। प्यार 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 कभी मैंने भी प्यार किया था। सॉरी किशन जी, अंजलि के पीछे इतनी बड़ी कहानी है ये मुझे पता नहीं था। मैं आपको इतना दुख दूंगा मैंने नहीं सोचा था। मैं नागपुर वापस चला जाता हूँ किशन जी। सॉरी किशन जी, सॉरी। अच्छा, त्याग कर रहे हो? ओए, प्यार के लिए भले ही किसी का त्याग कर दो, लेकिन प्यार का कभी त्याग मत करना। प्यार का त्याग करने वाले लोग मेरी तरह रोज घुट घुट कर मरते हैं। तुम जो करने जा रहे हो वही, बरसों पहले मैंने वही गलती की थी। अब तक वो पल मैं भूल नहीं पाया हूँ। कितनी बार मरने की कोशिश भी की है मैंने। त्याग करने वाले जिंदगी भर पछताते हैं और बाकी सब लोग अपनी जिंदगी मजे में गुजारते हैं। ओए ब्रूसली, वो बेचारी पागल है, उसने तुम्हें अपना मान लिया है बेटा, उसे ऐसे मत छोड़ो। अंजलि के लिए रुको, अंजलि के लिए मुकाबला करो। तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा ना, मैं रहूंगा। तुम्हें प्यार के लिए मुकाबला करके जीतना होगा, समझ गए ना? अगर अंजलि के लिए तुम लड़ोगे तो तुम्हारे प्यार को मैं जिताऊंगा, ये वादा है मेरा। ओए ब्रूसली, अंजलि के लिए रुक जाओ, अपने प्यार के लिए रुक जाओ, मेरी विनती है। किस चीज से मारा उसने, सारे शरीर में निशान हो गए। रुक जाओ। कितनी बार मैंने कहा है तुझसे, गली में घूमने वाले कुत्ते घर में घुस आएंगे, दरवाजे बंद रखा करो हमेशा। क्यों रे कुट्टी, मेरे गुरुकुल में घुसकर मेरे लड़कों को मारकर अब मेरे ही घर में घुस आया है तू? मौत को ढूंढने के लिए तुझे आने की जरूरत नहीं थी, वो तुझे ढूंढने के लिए बहुत पहले निकल चुकी है। मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ वीरभद्र, वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताने वाला तू कौन है? वो बहुत अच्छा लड़का है, अंजलि की किस्मत अच्छी है जो वो उसे मिला। ना मत करो। ए! तू यहाँ से जाएगा या मैं यहीं काट डालूं तुझे? रुको! अंजलि किसे चाहेगी और उसकी शादी किससे करनी है ये सोचना मेरा काम है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? वो दोनों छोटे बच्चे हैं, दबाव डालोगे तो मर जाएंगे। अंजलि जान दे देगी वीरभद्र, मर जाएगी वो। तू जो कह रहा है वो करने से तो अच्छा है कि वो मर जाए, मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। वैसे वो मरे या जिए तुझे उससे क्या है? निकल यहाँ से। वीरभद्र, मैं उस लड़की के बाप की तरह बोल रहा हूँ। लेकिन है तो नहीं ना, तू अंजलि का बाप नहीं है। क्या हुआ, तू अंजलि का बाप नहीं है? तू देख क्या रहा है? हे कृष्णा, अगर तू अभी के अभी यहाँ से निकल जाएगा तो तुझे और उस लड़के को ज्यादा तड़पा तड़पा कर नहीं मारेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ। अब निकल तू। आप तो सब कुछ जानते हैं, उस समय आप मेरे गुरु थे, इस बात को ध्यान में रखकर अपना प्यार और आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए सारी जिंदगी मैंने अपनी जुबान बंद रखी, अपनी बेटी से दूर रहकर नर्क की जिंदगी जी। पर ये मेरी बेटी की जिंदगी है, आपकी एक गलती की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, देखा। अब मेरी बेटी की जिंदगी को उसकी माँ जैसी ना होने दीजिए गुरुजी। देखिए, कल मैं पंचों के पास जाने वाला हूँ, वो सब आपकी बात मानते हैं, अब दोबारा वही गलती मत होने दीजिएगा। मेरी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दीजिए। रुक जाओ।
हमारे कुल देवता कलरी है, हमारा आचार व्यवहार अति पवित्र है, हमारा सांप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है, हमारे सांप्रदाय में औरत की जुबान ही आखिरी जुबान होती है, इसलिए इस लड़के की इच्छा का हम सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है, ये लड़की जिससे प्यार करती है वो हम में से एक नहीं है, हमारी संस्कृति को जानने वाला, हमारे प्रांत का नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये पंचायत एक निर्णय पर पहुंची है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस संस्कृति को हम बचाते चले आ रहे हैं वो भंग नहीं होनी चाहिए। हमें और कोई अधिक कठोर कदम ना उठाना पड़े, इसलिए इस लड़की को उससे विवाह करना चाहिए जहाँ इसके माता पिता करवाना चाहते हैं, यही हमारा निर्णय है। उसी तरह इस लड़के को इस गांव की सीमा से और इस लड़की के जीवन से सदा के लिए निष्कासित करते हैं। अगर इसने दोबारा गांव में कदम रखा तो इसे मृत्युदंड मिलेगा। क्षमा चाहता हूं मैं, पंचायत से प्रश्न पूछूं इतना बड़ा तो नहीं हूं मैं, पर आप बड़ों को एक छोटी बात याद दिलानी है। मैं भी आप में से नहीं हूं, मैं आपसे नीची जाति का हूं, लेकिन जब मेरी भी ऐसी ही समस्या आई थी तब आपने मुझे इस गांव से निष्कासित तो नहीं किया, कुछ और ही फैसला सुनाया था। क्या यही है आप सभी का धर्म? क्या यही है आपका हमारे लिए न्याय? हमें वो फैसला याद दिलाकर आज एक अन्याय होने से बचाने के लिए किशन जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुलवृद्ध जी ने हमें सलाह दी है इसलिए हम अपना फैसला बदल रहे हैं। इस लड़के को इस गांव से निष्कासित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जो फैसला हम करने वाले हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसका दोनों पक्ष सम्मान करेंगे। लड़की जिसे चाहती है और उसके माता पिता जिसे चाहते हैं, अगर वो अग अलग व्यक्ति हों तो उन दोनों के बीच कलरी प्रतियोगिता होना ही हमारा धर्म है। इन दोनों के बीच जो कलरी प्रतियोगिता होगी उसमें जो जीतेगा वही इसका वर बनेगा, यही हमारा फैसला है। किशन कुमार जी, क्या आपको हमारा फैसला मंजूर है? ये कैसा फैसला है पंचू? जब ये दोनों एक समूह के हैं ही नहीं तो फैसला उनके पक्ष में ही जा रहा है ना? ये अन्याय हो रहा है इसके साथ। पंचायत के इस फैसले को मैं अपने स्वच्छ मन से स्वीकार करता हूँ। ये प्रतियोगिता जितनी जल्दी होगी मेरे विचार से ये उतना ही अच्छा होगा। कृष्णा जी, आपने ये फैसला स्वीकार नहीं किया तो आपको मिलने वाला मौका वापस ले लिया जाएगा, तब आपको हमारा पहला फैसला ही मानना पड़ेगा। इस लड़के को गाँव से निष्कासित कर दिया जाएगा। बोलिए, क्या हमारा फैसला आपको मंजूर है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन सवेरे 10 बजे ये प्रतियोगिता होगी। पंचायत से मेरी एक छोटी सी विनती है, इस प्रतियोगिता के होने तक किसी भी हालत में ये लड़का मेरी बेटी से नहीं मिलेगा। ऐसा ही होगा। उस कमीने को मारने के बाद उसी को तुम्हारा मंगलसूत्र बनाऊंगा। दिखने में तो आप बहुत बुद्धिमान लगते हैं, लेकिन काम बेवकूफ अंजलि किया है आपने। पता है तुम किससे बात कर रही हो? चले जाओ विक्रम, तुम यहाँ मत रुको, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम चले जाओ। मैं अगर चला गया तो भी तुम जिंदा रहोगी, ये वादा करो मुझसे। वादा करो, वादा करो मुझसे। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, मेरी बात गुरु जी, आज मुझे दो बातें समझ में आ गई। एक तो ये कि आप बिल्कुल पागल हैं, और दूसरी मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। उसके साथ मेरी कलरी प्रतियोगिता रख दी, आपको लगता है मैं उससे जीत सकता हूँ? चलो बताता हूँ तुम्हें। किशन जी, ये कलरी सीखने के लिए लंगोट क्यों पहनते हैं? क्योंकि पैंट पहनकर सीखते अच्छे नहीं लगोगे। ये क्या कर रहे हो? इस लंगोट की फिटिंग कुछ अजीब सी लग रही है। वो अपने आप ठीक हो जाएगी, तुम ये नारियल छीलो। ये क्या किशन जी, आप तो कह रहे थे कलरी सिखाऊंगा और मुझसे नारियल छिलवा रहे हैं। अब आज से मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। अगर क्या और क्यों पूछा
तो वापस भेज दूंगा, समझ गए ना? अब नारियल छीलो। क्या हुआ, नारियल छीलने के लिए कहा तो यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? नारियल छीलो। वही तो किशन जी, चाकू या कुछ ढूंढ रहा हूँ। चाकू गणास चाहिए। चलो अब तुम छीलो। आगे तुझको बढ़ना होगा, तूफानों से लड़ना होगा, अंगारों पे चलना होगा, चले चलो। रुके ना कदम, ये तेरे मिलो है लंबे रास्ते, मंजिल को पाना होगा। चलो 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 चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो। किशन जी, भर ले आज कसम ये ले ले, पानी है तुझको भी, चाहे तू भी कुछ भी हो जाए, प्यार है दांव पे तेरा, भूल न जाना ये तू, करना है पूरा तुझे वादा 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 वादा। चले चलो चले चलो, इन छिलकों को पीस कर आटा बना दो। चले चलो बार अंदर, तीन बार बाहर। आगे तुझको बढ़ना होगा, तूफानों से लड़ना होगा, अंगारों पे चलना होगा, चले चलो। रुके ना कदम, ये तेरे मिलो है लंबे रास्ते, मंजिल को पाना होगा। चलो 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 चले चलो चले चलो। 500 मीटर रस्सियाँ, 120 लीटर तेल और 10 बोरी बुरादा, ये लीजिए 15,000 रुपये। नमस्ते। नमस्ते किशन जी, मुझसे नारियल छिलवाए, उनमें से तेल भी निकलवाया, उसकी जड़ से रस्सी भी बनवाई और छिलकों का बुरादा बनवाया, अब ये कलरी कब सिखाएंगे आप? मैं तुम्हें कलरी नहीं सिखाना चाहता था, मेरी बेटी को चाहने वाला मेहनत से काम करके उसे खिला पाएगा या नहीं ये सोचा था बस। हाँ ये लो, तुम्हारी पहली कमाई है ये, उसके लिए कुछ खरीद लेना, ठीक है? वो सब तो ठीक है, अगले हफ्ते प्रतियोगिता है ना, तो फिर कलरी का क्या करेंगे? दौड़ने में दिक्कत हो रही थी। ये मुश्किल बड़ा ही मुकाबला, टूटना पर ये तेरा हौसला, जाकी बाजी है तुझको लगानी, खतरों से मौत से खेलता जाना। ओ चले चलो चले चलो, आप बताया तो तुम वही खत्म। चले चलो ना हो
होगा, तूफानों से लड़ना होगा, अंगारों पे चलना होगा, चले चलो रुके ना कदम, ये तेरे मिलो है लंबे रास्ते, मंजिल को पाना होगा, चलो 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 चलो, उसके दिल की धड़कनें भी सुनाई देनी चाहिए। किशन की विद्या को जानते हुए हमें भी संभल कर रहना हो। यहाँ से नहीं होती, यहाँ से होती है, यहाँ से बन जा समंदर, सीने पे तू रख ले पत्थर, जा हथेली पे रख ले तू मौत से टकरा। तुम्हें अपनी ताकत जानने के लिए पहले सामने वाले की ताकत को पहचानना होगा। तुझको है मोड़ना, प्यार के शोलों पे तुझको है दौड़ना। किसी विद्या का सही आकलन कोई दूसरा नहीं कर सकता, तुम्हें खुद करना होगा। संभव को संभव करके दिखा, कितना तुझ में जीतने का जुनून जब तुम्हारे दिल में होगा तो सत्य शक्ति भी तुम्हारे हाथों में आ जाएगी, तब तुम उस हाथ का सही इस्तेमाल करो। चलो चले चलो, आगे तुझको बढ़ना होगा, तूफानों से लड़ना होगा, अंगारों पे चलना होगा, चले चलो रुके ना कदम, ये तेरे लिए लंबे रास्ते पाना होगा, चलो 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 चलो। मन का सच्चा प्यार कभी भी नहीं हारता, वही तुम्हें जिताएगा। अगर उसे मारना चाहते हो तो अपने अंदर की लौ को भक भक करके चलने दो। विक्रम, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये कलरी प्रतियोगिता रहने दो, हमारे साथ घर चलो। हाँ बेटा, वो तुम्हें मार डालेगा। अंजलि के बिना भी मर जाऊंगा। विक्रम, तू अपनी जान देने पर तुला है। शस्त्र क्या है? मेरी मुट्ठी, मेरी मुट्ठी। शुरू करो। शुरू। जा
मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम कर क्या रहे हो? उसके लेफ्ट साइड में रहो। लेफ्ट साइड में रहना है तुम्हें, समझ गए? उसके लेफ्ट साइड में रहना है तुम्हें, आंखें मत बंद करना। शुरू। उसकी आंखों में लगा देना। यहीं पर रोक देते हैं, रहने दो। शाबाश शाबाश, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मत जाओ बेटा, रुक जाओ। चलो आ आ आ आ, 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 आ,
बेटा रहने दो बेटा, इसे यहीं खत्म कर दो। तुझे मार डालेगा बेटा, बस प्रतियोगिता जारी रखना चाहते हैं। मैं विनती करता हूँ बेटा, मान जाओ मेरी बात। ये आखिरी राउंड है, शुरू करो। आंखें मत खोलना, अभी तुम्हें एक दवा दूंगा, घोड़े की तरह दौड़ने लगोगे। पानी नहीं, नारियल पानी लेकर आता हूँ। नारियल पानी सेहत के लिए अच्छा होता है, मीठा होता है। यही रहना मेरी रानी बिटिया, अभी आता हूँ मैं। जो सपना देखा था वो कृष्णा ने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया, पूरा कर दिया।